भगवान शिव के बाद श्री हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की सहायता के लिए शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कलयुग के सबसे जागृत देवता भी कहा जाता है। इस घोर कलयुग के बुरे प्रभाव से बचने के लिए लोग श्री हनुमान जी की शरण में जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिससे प्रभु की कृपा उन पर बनी रहती है। भूत प्रेत की बाधा हो या ग्रह दोष हो, संतान सुख में विलंबता हो या फिर किसी गंभीर बीमारी की समस्या, ऐसी कई तरह की संकटों के निवारण के लिए लोग बजरंग बली की भक्ति करते हैं। और श्री हनुमान जी भी इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को कभी निराश नहीं देख सकते। वे अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति की। कई लोग मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं तो कई लोग घर पर ही प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन जब घर पर कोई भी श्री हनुमान जी की भक्ति करता है तो उन्हें कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश के हर घर में भगवान का मंदिर या भगवान की मूर्ति या फिर चित्र जरूर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री हनुमान जी के चित्र को लगाने का सही स्थान कौन सा है? तो आइए जानते हैं घर में श्री हनुमान जी के चित्र को लगाने के कुछ जरूरी नियम। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार श्री हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्री हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ होता है क्योंकि श्री हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। श्री हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा श्री हनुमान जी के चित्र की ओर देखकर ही लौट जाती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ती है। किन जगहों पर हमें हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए जिससे हमें नुकसान होता है? शास्त्रों और पुराणों के अनुसार, जैसे हम सभी को पता है कि श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनका चित्र कभी भी शयन कक्ष में ना रखकर घर के मंदिर में या अन्य किसी पवित्र स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। शयन कक्ष में रखना इसे बहुत ही अशुभ मानते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह पर लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। वास्तु के हिसाब से अगर आपका घर गलत दिशा में है तो भी आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं, क्योंकि वास्तु दोष के कारण घर में या फिर परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी, मनमुटाव देखने को मिलता है। घर में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से इन सब से बचा जा सकता है और प्रभु आपके उन्नति के मार्ग भी खोल देते हैं। यदि आपने घर में श्री हनुमान जी का चित्र लगाया है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। वह अच्छे फ्रेम में लगा हुआ होना चाहिए और हर रोज उसकी साफ सफाई और चित्र के समक्ष धूप दीप देना भी जरूरी होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।